हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 6 बेस्ट 5G सुपर एमोलेड डिस्प्ले मोबाइल अंडर 16,000। तो दोस्तों, आपको अगर चाहिए बजट में सुपर एमोलेड कर्व डिस्प्ले मोबाइल तो वीडियो में बने रहना। इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे डिवाइस के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे जहां आपको सिर्फ 16,000 के अंदर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे इन तक जरूर देखना। और आप अगर मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट के इस लिस्ट की जो सबसे पहले डिवाइस है उसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये डिवाइस होने वाला है रियलमी की तरफ से आने वाला नार्जो सीरीज का रियलमी नार्जो 65G, जो काफी अच्छा सा एक डिवाइस है। तो एक एक करके क्या कुछ मिलने वाला है जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो बैक पे आपको राउंड शेप पे कैमरा मॉड्यूल मिलेगा और बैक आपको प्लास्टिक और लेदर फिनिश दोनों पे ऑप्शन मिल जाएगा। वहीं पे जो फ्रेम वो प्लास्टिक का होने वाला है। डिवाइस की वेट होगा ओनली 182 ग्राम, तो डिवाइस काफी हल्का होने वाला है। वहीं पे बात करें जाए डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.63 इंचेस का फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले। हाँ दोस्तों, इस मोबाइल पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है विद 90Hz रिफ्रेश रेट। तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी होने वाला है, जहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलने वाला है। वहीं पे बात किया जाए कैमरा की, तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा रियर पे, जहाँ पे मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे उसके साथ साथ आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छी है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। वहीं बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों, बात किया जाए इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है MediaTek Dimensity 6020 चिपसेट, जो एक 5G चिपसेट है, जहाँ पे इंडिया के अवेलेबल सभी 5G बैंड मिल जाएगा। तो 5G कनेक्टिविटी काफी अच्छा इस डिवाइस पे होने वाला है। और दोस्तों, बात किया जाए रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट मिलेगा। बेस वेरिएंट पे 8GB रैम 128GB रोम मिल जाएगा, उसके साथ साथ 8GB रैम 256GB रोम और एक वेरिएंट पे मिलेगा। बात किया जाए इस डिवाइस की बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलने वाला है विद 33W फास्ट चार्जिंग, जिसकी मदद से 50% चार्ज ओनली 29 मिनट में होने वाला है। और दोस्तों, जैसे कि ये एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मोबाइल है, तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है, उसके साथ साथ 3.5mm जैक भी मिलने वाला है। वहीं पे यहाँ पे आपको डुअल सिम की सपोर्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये डिवाइस एंड्रॉइड 13 और रियलमी UI 4.0 पे रन होगा। तो दोस्तों, ये तो गाइस इसकी सभी फीचर। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, इसकी जो 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है, उसकी करंट टाइम पे प्राइस 11,500 है और मैक्सिमम प्राइस यहाँ पे आपको 1000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट की बात, इसकी प्राइस 15,000 के आसपास आ जाता है। वहीं पे बात करें 8GB प्लस 256GB वाला वेरिएंट की, तो उसकी प्राइस 19,500 है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये डिवाइस होने वाले लावा की तरफ से लावा अग्नि 2। इसी टाइम पे इंडियन मार्केट में सिर्फ यही एक डिवाइस है जो आपको 20,000 के अंदर मिल रहा है। बाकी सभी जितने सारे डिवाइस है वो 24,000 या फिर 25,000 बेस वेरिएंट का प्राइस है। तो 20,000 के अंदर सिर्फ यही डिवाइस है। तो दोस्तों, फीचर में सबसे पहले आपको मिलने वाला है 6.78 इंचेस का फुल HD+ एमोलेड कर्व डिस्प्ले, जहाँ पे आपको मिलेगा 120Hz का रिफ्रेश रेट। तो डिस्प्ले काफी अच्छा है। और दोस्तों, रेजोल्यूशन की बात करें तो 2400x1080 पिक्सल रेजोल्यूशन आपको मिलने वाला है। और दोस्तों, बात करें कैमरे की, तो रियर पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, उसके साथ साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा आपको मिल जाएगा। और वहीं पे मेन कैमरा से आप 4K तक वीडियो शूट कर सकते हो, जो काफी अच्छी बात है। और बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। परफॉर्मेंस की बात करें, तो यहाँ पे आपको मिलने वाले MediaTek Dimensity 7050 चिपसेट, जो 6nm पे बेस्ड है, जिसके एंटूतु स्कोर 5 लीक से भी ज्यादा है। तो परफॉर्मेंस वाइज भी ये डिवाइस काफी अच्छे होने वाले। उसके साथ, जैसे कि ये 5G डिवाइस है, तो यहाँ पे आपको मिलने वाले 13 5G बैंड, जो इंडिया की सभी टाइप की बैंड को सपोर्ट करता है।
और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 16GB रैम मिलेगा जहाँ पे 8GB प्लस 8GB वर्चुअल रैम होगा और उसके साथ साथ 256GB का रोम मिलेगा। दोस्तों इस मोबाइल पे आपको मिलने वाला है 5000mAh का बैटरी विथ 66W की फास्ट चार्जिंग की साथ, जो आपके मोबाइल के 50% चार्ज सिर्फ 16 मिनट पे कर देगा। और दोस्तों इस मोबाइल पे सबसे बढ़िया बात, आपको एकदम क्लीन ओएस मिलने वाला है जहाँ पे आपको कोई भी ब्लूटूथ और एड्स देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों और फीचर की बात करें तो बैक की जो डिजाइन वो आपको ग्लास का मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। और दोस्तों इस मोबाइल की आपको 3 कलर वेरिएंट मिलेगा जो काफी प्यारा कलर है। दोस्तों बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस पहले ज्यादा था पर अभी घटा के इसकी प्राइस को 70,000 कर दिया है और मैक्सिमम टाइम सेल पे 16,000 के अंदर आ जाता है जैसे कि आप देख सकते हो। तो इस प्राइस पॉइंट पे एक कर्व डिस्प्ले और काफी अच्छे अच्छे फीचर आपको प्रोवाइड किया गया है, तो आप अगर लेना चाहते हो इस डिवाइस को जरूर ले सकते हो। तो दोस्तों ये डिवाइस आता है Redmi की तरफ से, Redmi Note 12 5G। जैसे ही पता है इंडिया पे Note सीरीज काफी पॉपुलर है, उसी का ये डिवाइस काफी अच्छे फीचर आपको प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ, आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा 6.67 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले। हाँ दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पे आपको AMOLED डिस्प्ले मिलता है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलेगा 120Hz के रिफ्रेश रेट, तो कंटेंट कंज्यूम के लिए ये डिवाइस काफी तगड़ी होने वाले है। वहीं पे आपको मिलने वाले 1200 नीट पीक ब्राइटनेस, तो आउटडोर पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा और 120Hz रिफ्रेश रेट है, तो गेमिंग में ये आपको काफी फायदे देने वाला है। और दोस्तों इसकी बात, मेरा पर्सनल जो फेवरेट चीज है इसकी परफॉर्मेंस। यहाँ पे आपको मिलने वाला स्नैपड्रैगन 4Gen 1 चिपसेट जो आपकी 6nm पे बेस है और ये एक 5G चिपसेट है। और दोस्तों इसकी जो एंटू स्कोर है ना वो 6 लाख के आसपास है, तो इस प्राइस पॉइंट में इतना पावरफुल डिवाइस मुझे नहीं लगता अदर कोई भी डिवाइस में है। तो इस मोबाइल पे आप कोई भी टाइप की गेम को एकदम हाई लेवल पे खेल सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको AMOLED डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट भी मिल जाते हैं, तो प्रॉपर गेमिंग डिवाइस भी आप इसे कह सकते हो। तो आप अगर ढूंढ रहे अंडर 15,000 में 5G एक गेमिंग डिवाइस, तो भी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। और दोस्तों बात करो रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट मिलेगा, जब बेस वेरिएंट 4GB 128GB और दूसरे आपको 8GB प्लस 256GB वेरिएंट मिल जाएगा। और दोस्तों उसके बाद इसकी जो कैमरा है ना, कैमरा भी काफी तगड़ी है, तो कैमरे के लिए भी आप अगर 15,000 में मोबाइल लेना चाहते हो ना तो भी इसे ले सकते हो। यहाँ आपको रियर पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जब मेन कैमरा 48MP का होने वाला है, उसके साथ साथ आपको 8MP का एक वाइड एंगल कैमरा मिल जाएगा और 2MP का एक मैक्रो कैमरा मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप मेन कैमरा से 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों अगर मैं बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 13MP का फ्रंट कैमरा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों इस मोबाइल पे आपको एक अच्छी चीज मिल जाता है, IP53 का रेटिंग मिल जाता है, जिसकी मदद से ये डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ है। और दोस्तों बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 5000mAh का बैटरी, उसके साथ साथ 33W के फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करेगा इस डिवाइस पे। तो दोस्तों बात करें इसकी प्राइस, तो इसकी जो प्राइस वो 15,000 के आसपास फ्लक्चुएट होता है, अभी इसकी 15,500 है, पर यहाँ पे आपको 2,000 रुपए का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। और डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस वो 13,500 हो चुका है। इस प्राइस पॉइंट में मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल होने वाला है। इस प्राइस पॉइंट पे आप अगर लेना चाहते हो तो जरूर ले सकते हो। तो दोस्तों ये डिवाइस से सैमसंग की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी F15 5G, जो एक बजट सेगमेंट की डिवाइस है। तो क्या कुछ फीचर मिलते हैं एक एक करके जान लेते हैं इसकी। तो सबसे पहले लुक एंड डिजाइन की बात किया जाए, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम के साथ प्लास्टिक बैक मिलेगा, रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, फ्रंट पे आपको यू नॉच मिलेगा। ओवरऑल डिवाइस की लुक काफी प्रीमियम है, कैमरा सेटअप की वजह से यहाँ पे आपको एक प्रीमियम फील देगा। वहीं पे डिवाइस के वेट की बात किया जाए, 217 ग्राम वेट है, तो थोड़ा सा हैवी है। तो दोस्तों नेक्स्ट फीचर इस डिवाइस के हाइलाइटेड फीचर है, इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है 6.6 इंच का फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले। हाँ दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पे आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले मिल जा रहा है, जो काफी अच्छी बात है और इंडिया पे ये फर्स्ट टाइम होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट भी मिलेगा। तो दोस्तों प्राइस के हिसाब से डिवाइस की क्वालिटी काफी तगड़ी होने वाला है। 87% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलने वाला है 1080x2340 पिक्सल रेजोल्यूशन की साथ।
तो दोस्तों आप अगर कंटेंट कंज्यूम के लिए इस डिवाइस को लेना चाहते हो तो आंख बंद करके इस डिवाइस के साथ जा सकते हो। उसकी बात करें इस डिवाइस के कैमरा की तो कैमरा सेक्शन भी काफी तगड़ी है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जहाँ पे इस डिवाइस की जो मेन कैमरा वो 50 मेगापिक्सल का होने वाला है जिससे आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा भी दिया गया है। तो दोस्तों अंडर 12,000 में आपको मैक्रो भी मिलते हैं और वाइड एंगल कैमरा भी मिलते हैं जो काफी अच्छी बात है। अदर्स कोई भी ब्रांड इतने सारे फीचर आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा इस प्राइस पॉइंट पे, तो प्राइस के हिसाब से काफी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। वहीं पे बात किया जाए फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा भी मिलने वाला है जिससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छा है। जैसे कि पता है कैमरा के लिए फेमस है सैमसंग के डिवाइस से, तो आप कैमरा सेंटिंग के लिए भी इस प्राइस पॉइंट पे इस डिवाइस को आप बाय कर सकते हो। तो दोस्तों आप बात कर रहे थे इस डिवाइस के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस 5G चिपसेट जो 6nm पे बेस है। तो दोस्तों ये डिवाइस 5G के साथ आने वाला है जो काफी अच्छी बात है। बात किया जाए इस डिवाइस के रैम रोम की तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा 4GB प्लस 128GB 6GB प्लस 128GB। सिर्फ दोस्तों यही नहीं, इस डिवाइस पे आपको और एक हाईलाइटेड फीचर मिलता है जहाँ पे आपको इस डिवाइस पे 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलता है। हाँ दोस्तों 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलता है जहाँ पे ये डिवाइस 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। एक बुरी बात है इस डिवाइस पे आउट ऑफ द बॉक्स आपको चार्जर नहीं मिलेगा, तो चार्जर को आपको सेपरेट से खरीदना पड़ेगा। वहीं पे बात करें इस डिवाइस के अदर फीचर की तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलेगा, 3.5mm जैक मिलेगा। उसके साथ साथ ये डिवाइस एंड्रॉइड 14 और One UI 6 पे रन होने वाले है। तो दोस्तों ये तो इसके सभी फीचर, आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसकी जो बेस ब्रांड है 4GB प्लस 128GB उसके करंट टाइम पे 13,000 प्राइस है, पर ज़्यादातर टाइम यहाँ पे आपको 1,000 या फिर उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस है वो अंडर 12,000 आ जाता है। वहीं पे जो 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है उसकी करंट टाइम पे प्राइस 14,500। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई से भी बाय कर सकते हो, काफ़ी शानदार सा डिवाइस है। तो दोस्तों ये डिवाइस होने वाला है Realme की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस Realme P1 5G जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम के साथ प्लास्टिक बैक मिलने वाला है। कैमरा मॉड्यूल राउंड शेप पे मिलेगा जहाँ पे आपको दो कैमरा मिलेगा। उसके साथ साथ डिवाइस की वेट 188 ग्राम होने वाला है, तो डिवाइस काफी हल्का है। तो ओवरऑल डिजाइन काफी अच्छा है। वहीं पे बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.67 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले जहाँ पे आपको 120Hz रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। तो डिवाइस काफी स्मूथ होने वाला है। उसके साथ साथ डिवाइस पे आपको 2000 nit ब्राइटनेस भी मिलेगा, तो आउटडोर पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा है। यहाँ पे AMOLED मिलता है, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। नेक्स्ट बात करें इस डिवाइस के कैमरा के बारे में तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। कैमरा मॉड्यूल राउंड शेप पे होगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है जिससे आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। वह पे बात करें फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा जिससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है मीडियाटेक डायमेंसिटी 705 चिपसेट जो 6nm पे बेस है। और दोस्तों इसकी एंथ स्कोर 6 लाख से भी ज्यादा है, तो काफी पावरफुल सा एक चिपसेट है। यहाँ पे आप हाई लेवल की गेम प्ले भी कर सकते हो, तो गेमिंग के लिए भी आप इस डिवाइस को चूज कर सकते हो। बात करें रैम रोम की तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा 6GB 128GB 8GB 256GB UFS 3.1 टाइप का। इस डिवाइस को पावर देने के लिए यहाँ पे दिया गया 5000mAh का लार्ज बैटरी विद 45W फास्ट चार्जिंग जो इस डिवाइस को सिर्फ 27 मिनट पे 50% तक चार्ज कर देगा, जो काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको स्टेरियो स्पीकर की सपोर्ट भी दिया गया है। इस डिवाइस पे आपको 3.5mm जैक मिल जाएगा, NFC नहीं मिलेगा। डिवाइस रन होने वाले एंड्रॉइड 14 Realme UI 5.0 पर। डिवाइस पे आपको IP54 की रेटिंग भी मिलने वाले। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो इसकी जो बेस बैंड 6GB 128GB उसकी करंट टाइम पे प्राइस 16,000 है, पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट के बाद ये डिवाइस अंडर 15,000 में
आ जाता है। वहीं पे बात करें सेकंड वेरिएंट 8GB 256GB की, तो उसके करंट टाइम पे प्राइस 17,000 है, वहाँ पे भी आपको सेम डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे रियलमी की एक काफी शानदार सा डिवाइस है, तो आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो।